वेलकम टू द चैनल एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर सॉल्यूशंस को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। एक वीडियो में पूरा चैप्टर आपका कंप्लीटली हो जाएगा, तो इस वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला चैप्टर है केमिस्ट्री के लिए चैप्टर सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, जब हम टू और मोर सब्सटेंसेस को एक दूसरे में मिक्स करते हैं, उनका जो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के मेनली दो कंपोनेंट्स रहते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को अगर हम यूज़ करें तो वो हमें क्या बना देते हैं, दैट इज़ द सॉल्यूशन। तो जिस सॉल्यूशन में टू सब्सटेंसेस होते हैं उनको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। तो हमारी इस चैप्टर की पूरी स्टडी बाइनरी सॉल्यूशंस के आसपास ही होने वाली है। अब देखिए, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट हमने कितना यूज़ किया है उसकी सॉल्विंग के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एक टर्म्स को यूज़ करते हैं, दैट इज़ दी कंसंट्रेशन टर्म्स। तो हम सॉल्यूशन की क्या सॉल्व करेंगे, कंसंट्रेशन, कि उसमें कितना सॉल्यूट का अमाउंट कितने सॉल्वेंट के अमाउंट में हमने डिसॉल्व किया है उसके बारे में ये हमें बताएगा। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में हमारी सबसे पहली टर्म है, दैट इज़ दी मास परसेंटेज ऑफ दी कंपोनेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ दी सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का टोटल मास कितना है, जिस कंपोनेंट के बारे में आप लोग सोल्व कर रहे हैं उसका मास ऊपर रख लेंगे और इनटू हम यहाँ पर कर लेंगे 100। ठीक है, सो मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, दैट इज़ द मास परसेंटेज ऑफ दैट कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हमें बताया गया हो कि हमारे पास है 10% वेट बाय वेट यानी कि मास बाय मास और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या यूज़ किया है, हमने 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 ग्राम सॉल्यूशन में बनाया है। मतलब कि अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है उसमें से 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और बाकी का क्या है, वाटर है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है 90 ग्राम। तो ऐसे आपको जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसका यूज़ करना आपको ज़रूर आता हो। क्लियर है अभी? तो ये होगी मास परसेंटेज। सिमिलरली हम लोग सोल्व कर सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, तो उसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। इसमें भी सिमिलर ऐसे ही आप लोग इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर वेट बाय वेट की जगह पर वी बाय वी दिया गया हो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये दोनों सेम टू सेम है, इन दोनों के फॉर्मूलास। ठीक है, तो आगे चलते हैं। थर्ड है इसमें पार्ट्स पर मिलियन। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन काफ़ी लो हो, बहुत ही लो अमाउंट में हो, तो हम उसके लिए मास परसेंटेज की जगह पर यूज़ करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। अब देखिए, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10^6। जैसे कि परसेंटेज में हम सोल्व करते हैं 100 के हिसाब से, यहाँ पर हम सोल्व करेंगे मिलियन के हिसाब से। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, मास ऑफ द कंपोनेंट ओवर द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा 10^6। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बस यहाँ पर चेंज कर देना है। इसको बोलते हैं इन शॉर्ट PPM। अगर आपको मान लीजिए बताया गया है हमारे पास है 3 PPM ऑफ ए, इसका मतलब क्या है कि हमने 3 ग्राम ए को डिसॉल्व किया है इन दी 10^6 ग्राम सॉल्यूशन में। मतलब कि 3 ग्राम जो आपका सॉल्यूट है वो 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन के बीच है, काफ़ी लो अमाउंट में हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो जैसे कि आप लोग बता सकते हैं कि एयर में कुछ पोल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं, उनके अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए PPM वगैरह को यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी तो ये होगी आपकी तीन टर्म्स। इसके बाद हमारी दो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी। सबसे पहली है मोलैरिटी। ठीक है, सो व्हाट इज़ द मोलैरिटी? मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्वड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सो ऊपर हम रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट
डिवाइड में हम रखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इन ml है तो ऊपर हमने 1000 यूज कर लेना है, ठीक है। अब देखिए मोल्स कैसे सोल्व करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, जो भी आपका सॉल्यूट है उसका मास ऊपर रख लेंगे, डिवाइड में हम उसका रखेंगे मोलर मास, और यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास मोल्स, मोल्स को ऊपर रखेंगे सॉल्यूशन की वॉल्यूम के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें मोलैरिटी मिल जाए। मोलैरिटी अगर आपको दी हो उसका भी यूज़ करना आता हो आपको, अगर हमें बताया गया है कि 2 मोलर, ठीक है, इसको एम के साथ शो करते हैं कैपिटल एम के साथ, सो 2 मोलर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का मतलब है कि हमने 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसोल्व किया है इन 1000 ml, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर पानी में हमने 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसोल्व कर दिया है, तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 मोलर सॉल्यूशन, उसकी मोलैरिटी 2 बन जाएगी, क्लियर है। अभी ऐसी ही एक और सेम टर्म है, दैट इज़ दी मोलैलिटी, ठीक है, नाम एक जैसे हैं, थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पर R है, यहाँ पर L है, दिस इज़ दी मोलैलिटी, दिस इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, वहाँ पर था सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यहाँ पर होगा मास ऑफ द सॉल्वेंट ओनली, ठीक है, सॉल्यूशन का मास बिल्कुल नहीं यूज़ करना, हमने उसके बीच में से सिर्फ सॉल्वेंट का मास यूज़ करना है, तो ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000, तो ये हमारा सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा। तो सिमिलरली इसको शो करते हैं विद स्मॉल एम, सो 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हमने 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसोल्व किया है इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, यहाँ पर सॉल्वेंट का मास यानी कि वाटर का मास हमने चेक करना है, यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन की वॉल्यूम चेक करनी है, ठीक है, ये बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, मोलैलिटी दिस इज चेंजेस विद टेम्परेचर, ये भी आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोलैरिटी चेंज हो सकती है टेम्परेचर के साथ क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो जाती है, बट मोलैलिटी डज नॉट चेंजेस विद टेम्परेचर, ठीक है, डज नॉट चेंजेस विद टेम्परेचर। तो अगर आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाए तो फॉर्मूलाज एक्सप्लेन कर देना और बाद में एक डिफरेंस आपका ये वाला बन जाएगा, क्लियर है अभी, ओके। तो आगे चलते हैं, इसके बाद हमारी टर्म है दैट इज द मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल्स की फ्रैक्शन कितनी है, मान लीजिए हमने 2 कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं ए एंड बी, ए और बी के हमने सोल्व कर लेने हैं मोल्स, मान लीजिए यहाँ पर एन ए इज़ दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, क्या फार्मूला होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय दी मोलर मास, गिवन मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दी डब्ल्यू एंड मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दी एम, ऐसे ही हमने निकाल लिए मोल्स ऑफ बी, ठीक है, तो वो भी गिवन मास बाय मोलर मास। अब देखिए जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है, मोल फ्रैक्शन को स्मॉल एक्स के साथ आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, एक्स ए जिसकी मोल फ्रैक्शन है उसके मोल्स ऊपर रखने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऊपर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा, मतलब कि मोल्स ऑफ ए मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो वहां से आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगी, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी की मोल फ्रैक्शन को ऐड कर ऑलवेज आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, अगर 2 कंपोनेंट हो, 3 हो, 4 हो, जितने मर्जी हो, सभी की मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 1 के बराबर, ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आगे इन पर बेस कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो आपको सब कुछ आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारी टर्म आती है दैट इज द नॉर्मैलिटी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है नॉर्मैलिटी में, तो मोलैरिटी जैसा ही सिमिलर फार्मूला है, डिवाइड में है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर है नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, जैसे हमने सोल्व किया था नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, ऐसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है, मोलर मास की जगह पर हमने यहां पर क्या रख लेना है, इक्विवेलेंट मास, इतना क्लियर है अभी। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट मास इज दी मोलर मास डिवाइडेड बाय दी एक्स, अब ये एक्स क्या हो सकती है, एक्स यहां पर जो आपका सब्सटेंस है उसके अकॉर्डिंग उसकी एसिडिटी हो सकती है, अगर कोई बेस है तो, अगर कोई एसिड है तो उसकी हो सकती है बेसिसिटी, अगर कोई सॉल्ट है तो उसकी हो सकती है वैलेंसी, ठीक है,
तो मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं, और आल्सो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में ये सिंपल सा रिलेशन आप लोग याद रख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू द मोलैरिटी इनटू एक्स, जो एक्स हमने यहाँ पर यूज़ की थी। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में से दो हाइड्रोजन्स वो रिलीज कर सकता है, सो देयरफॉर इट इज़ ए डाई बेसिक। तो इसकी बेसिसिटी 2 हो गई, इसका मोलर मास होता है 98, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या बनेगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स यहाँ पर क्या बन गई बेसिसिटी, सो देयरफॉर 98/2 49। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे 49, तो उसको अकॉर्डिंग हम यहाँ से निकाल लेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो वहाँ से हमारी नॉर्मेलिटी सोल्व हो जाएगी। मोस्टली नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी से ही सोल्व कर लेते हैं एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर, तो ये आपका इजीली फॉर्मूला बन जाता है। बाकी इस साल आपको नॉर्मेलिटी की प्रॉब्लम बहुत ही मतलब रेयर है कि आपको आए एग्ज़ाम में, बट फिर भी आप लोगों ने रीड ज़रूर कर लेना है। ठीक है, प्रैक्टिकल्स में आपके ये बहुत ही काम आने वाला है। इसके अलावा हम लोग मोलैरिटी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। मोलैरिटी इक्वेशन इज़ m1v1 इज़ इक्वल्स टू m2v2, यानी कि अगर हमने सोल्यूशन किसी मोलैरिटी का किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम उसकी यूज़ कर उसको डिल्यूट करना हो, उसमें वाटर ऐड कर कोई न्यू मोलैरिटी का सोल्यूशन बनाना हो, तो हम लोग ये इक्वेशन यूज़ करते हैं। अगर दो डिफरेंट सोल्यूशंस को ऐड करना हो और उसके रिजल्टेंट की मोलैरिटी सोल्व करनी हो, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स पर अगर आप लोग स्पेशल कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करना चाहते हैं, मतलब कि सभी टॉपिक्स पर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स चाहिए, तो उसकी सभी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं इसी चैनल पर, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। तो वो सब कुछ आप लोग वन बाय वन वहाँ से ज़रूर देखना, आपको ये सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये हमारी वन शॉट वीडियो है, तो मैं आपको फॉर्मूलाज और जितना कुछ इंपॉर्टेंट है वो इसमें ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। दैट इज ए सोल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज इन वाटर इज, हमें बताया गया है 10% वेट बाय वेट है, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज दिस वन, कैलकुलेट द मोलैरिटी मोलैरिटी एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ईच कंपोनेंट। अब देखिए, मैंने आपको बताया था 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या है, हमारे पास है 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास गिवन मास ऑफ द सल्यूट क्या आ गया, 10 ग्राम। सल्यूट हमारा कौन है, ग्लूकोज। ठीक है, और सॉल्वेंट का मास कितना है। ठीक है, अब देखिए सॉल्वेंट यहाँ पर कौन होगा, वाटर। टोटल मास है 100 सल्यूशन का, तो सॉल्वेंट का क्या बच गया, 100 में से जाएगा 10, तो ये बच गया 90 ग्राम। ये भी क्लियर है। अब देखिए, दिस इज द मास ऑफ द सल्यूशन, और सल्यूशन की हमें बताई गई है डेंसिटी, दैट इज द वन पॉइंट टू जीरो ग्राम पर एम एल। ठीक है, अब देखिए मास है डेंसिटी है, हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम, दैट इज दी मास बाय डेंसिटी, तो ये आ गई 100 बाय 1.20। सो दिस इज दी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो क्योंकि हमें सब कुछ यहां पर रिक्वायर्ड है, तो इसलिए हमने सब कुछ सोल्व कर लिया। अब देखिए मोलर मास ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसका मास सोल्व कर लेना, मुझे याद है मैं यूज़ कर रहा हूँ वैल्यू, आप लोगों ने सोल्व कर लेना है, मास तो सोल्व करना आता है ना सभी को, क्लियर है अभी। इसका मास होता है 180। ठीक है, आप लोग भी याद रख सकते हैं। तो अब देखते हैं, हमें सबसे पहले निकालनी है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी हो मोलैरिटी हो दोनों में क्या यूज़ होंगे, नंबर ऑफ मोल्स, वो हम निकाल लेते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स इज द गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, तो ये बच गया आपका 10 बाय 180, तो ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल, दिस इज द 1 बाय 80। अब हम निकालते हैं मोलैलिटी, सो मोलैलिटी का फार्मूला क्या है, अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास ये है, दिस इज द सॉल्वेंट, ए हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट के लिए, बी हम यूज़ करते हैं सल्यूट के लिए। ठीक है, तो सॉल्वेंट का मास हो गया हमारे पास 90 × 1000, क्योंकि मास हमारा है इन द ग्राम्स, तो यहां से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इसकी सोल्विंग करेंगे तो आपको आंसर कुछ मिल जाएगा। आप देखिए 18 ओवर में आ जाएगा, एक जीरो इसके साथ कर देना कैंसिल, कब बच गया 100/18 × 9, इसकी डिवाइड करनी पड़ेगी, 0.618 मोलल आ जाएगा इसका आंसर, क्लियर है अभी। अब ऐसे ही हम लोग सोल्व करेंगे मोलैरिटी को,
सो मोलैरिटी भी क्या फार्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन की वॉल्यूम ये वाली, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट, इसकी वॉल्यूम क्या है 100 बाय 1.20, तो 100 बाय 1.20 इनटू 1000, ठीक है, तो ये ऊपर चली जाएगी टर्म 1.20 बाय 100 ओवर में आ गया 1/18 इनटू 1000, ठीक है, इसको आप लोगों ने सोल्व कर लेना है तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 0.667 मोलर, ठीक है, मोलैरिटी बन जाएगी। इतना क्लियर है अभी? सो ये हमारे दो पार्ट हो गए। अब उसने हमसे पूछी है मोल फ्रैक्शन। अब देखिए मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ए के भी सोल्व कर लें। अब ए का है हमारे पास गिवन मास दैट इज दी 90 ओवर उसका होता है मोलर मास ऑफ दी वाटर। ए क्या है हमारा, वाटर है तो उसका मोलर मास होता है 18, इसको सोल्व करेंगे दैट इज दी 5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए, तो ए की मोल फ्रैक्शन अगर हमें सोल्व करनी है तो वो क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दैट इज दी 5 ओवर 5 प्लस 1/18, ठीक है, तो इसका आप लोग एलसीएम करें या इसको डिवाइड कर लें पहले, ठीक है, ऐसे भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 0.989। देखिए इतना तो आप लोगों ने खुद करना है क्योंकि पूरी कैलकुलेशन आप लोगों ने एग्जाम में खुद करनी है, तो इसको खुद प्रैक्टिस करना। एक्स बी हम यहीं से निकाल सकते हैं, 1 - XA कर देना, तो 1 में से हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 0.989, तो इसका आंसर आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, तो 0.011 ऐसा कुछ आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है अभी? तो ऐसे आपको कुछ प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अभी इसके बाद है सोलुबिलिटीज के बारे में, कि सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। कोई सॉलिड जब किसी लिक्विड में डिजोल्व होता है तो उसमें क्या उसकी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, हमने क्या देखना होता है कि दोनों की फोर्सेज एक जैसी हों। तो यहाँ पर एक सिंपल सा रूल चलता है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, यानी कि पोलर सब्सटेंस डिजोल्व होंगे पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सब्सटेंसेस डिजोल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, मतलब उनकी फोर्सेस का जो बिहेवियर है वो दोनों का एक जैसा होना चाहिए, सिमिलर उनमें अट्रैक्शंस होने चाहिए तो वो एक दूसरे में डिजोल्व हो सकते हैं। तो इनमें कुछ जनरल सी प्रॉपर्टीज हैं कि मोस्टली साल्ट्स को अगर हम हीट करेंगे तो उनकी सोलबिलिटी इंक्रीज हो जाती है इन दी वॉटर, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हो गया, पोटाशियम क्लोराइड हो गया, इनकी कर्व्स अगर आप लोग यहाँ से चेक करेंगे तो ऊपर को बनेंगी ऐसे, तो इसका मतलब है इनकी सोलबिलिटी इंक्रीज हो रही है। कुछ सब्सटेंसेज हैं जैसे कि यहाँ पर Li2SO4 या फिर सीरियम सल्फेट हैं, इनकी सोलबिलिटी क्या होती है, अगर हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो डिक्रीज होती है, ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल याद रखना। कुछ हैं जैसे कि सोडियम सल्फेट, इनकी पहले इंक्रीज होती है बाद में डिक्रीज हो जाती है, तो पहले इंक्रीज हुई यहाँ तक और यहाँ पर आकर फिर से डिक्रीज हो गई, तो यहाँ पर क्या होता है, जिस टेम्परेचर के बाद इंक्रीज होने के बाद वो डिक्रीज होती है उस टेम्परेचर को क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। इतना क्लियर है अभी? सो दिस इज द सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स के बारे में आपने यही याद रखना है बस। इसके बाद आ जाती है सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, तो गैस की सोलबिलिटी को अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ये तो एक सिंपल सी बात है, सोलबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल आप लोग सोडा बॉटल्स यूज़ करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, जितना हम उन्हें कूल रखेंगे उतनी ज़्यादा उनमें गैस मिलती है, अगर हम उनको वहाँ पर हीट कर देते हैं एट ए हाई टेम्परेचर हो जाती हैं तो उनमें से गैस जो है वो बाहर आ जाती है, तो उसमें गैस डिसॉल्व्ड हमें काफ़ी लो अमाउंट में मिलती है। प्रेशर का क्या इफेक्ट है, दैट इज़ दी इम्पोर्टेंट वन। तो प्रेशर का इफेक्ट है यहाँ पर के जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा गैस ही डिसॉल्व होगी, तो इसके लिए हमारे पास एक लॉ होता है दैट इज़ दी हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ में क्या बताता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। गैस का पार्शियल प्रेशर अबव द लिक्विड जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ही गैस की मोल फ्रैक्शन हमें सॉल्यूशन में मिलेगी, मतलब वो उतनी ज़्यादा डिसॉल्व होगी। तो यहाँ से हमें फार्मूला मिल जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू द हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट इन टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द लिक्विड, ठीक है, सो P इज इक्वल्स टू KH इन टू एक्स।
तो के एच इज़ दी हेनरीज़ लॉ कॉन्स्टेंट एंड ये सभी गैसेस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। और इसके अलावा के एच की वैल्यू चेंज हो सकती है विद द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे के एच की वैल्यू क्या होगी, के एच की वैल्यू उसके साथ इंक्रीज हो जाएगी। तो के एच की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है गैस की सोल्युबिलिटी उतनी ही लो हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने सिंपली याद रखनी है, जितनी हायर के एच की वैल्यू है उतनी ही लो सोल्युबिलिटी है गैस की। तो सिमिलरली अगर हम हीट करेंगे तो फिर के एच की वैल्यू और इंक्रीज होगी, सोल्युबिलिटी और ज़्यादा डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है अभी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है के एच के बारे में। तो एप्लीकेशन हेनरीज़ लॉ की, जैसे कि एक्वेटिक स्पीसीज हैं, दीज आर मोर कंफर्टेबल इन दी कोल्ड वाटर देन दी वार्म वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा डिजोल्व रहता है, वार्म वाटर में ऑक्सीजन गैस की सोलबिलिटी लो हो जाती है, इसलिए कोल्ड वाटर में वो ज़्यादा अच्छा फील करते हैं एक्वेटिक स्पीसीज, जो पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं उनके बारे में। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द हीलियम एटम्स, द लो सोलबिलिटी ऑफ द हीलियम इन ब्लड एयर इज डिल्यूटेड विद हीलियम इन टैंक्स यूज्ड बाय द स्कूबा डाइवर्स। यहाँ पर हीलियम गैस यूज़ की जाती है, एक तो उसके जो उसके एटम्स है उसका साइज छोटा होता है और दूसरी उसकी ब्लड में सोलबिलिटी लो होती है, क्योंकि पानी के अंदर हाई प्रेशर होने के कारण बहुत ज़्यादा गैस हमारे ब्लड में डिजोल्व हो जाती है। जब हम एकदम से ऊपर आते हैं, ठीक है ना, सरफेस पर आते हैं, प्रेशर एकदम से लो हो जाता है, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ गैस है डिजोल्व हुआ था वो फिर एकदम से बाहर निकलेगा, तो उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो इसलिए हम छोटे साइज वाले और जिसकी सोलबिलिटी लो हो कोई ऐसी गैस यूज़ करनी थी तो वो हमने यूज़ कर ली यहाँ पर, दैट इज़ दी के यहाँ पर हीलियम। बाकी हाई एल्टीट्यूड पर जाकर जो ऑक्सीजन का अमाउंट हमारे ब्लड में लो हो जाता है उसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है, वो भी सभी इसमें आपके एप्लीकेशन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था भी आपके लिए हेनरीज लॉ, तो इसको जरूर अच्छे से याद रखना। तो इस पर बेस्ड एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द सोलबिलिटी ऑफ द CO2 इन वाटर, हमें CO2 की वाटर में सोलबिलिटी सोल्व करनी है। सोलबिलिटी यानी कि उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है, ठीक है, सिंपली एट दिस टेम्परेचर अंडर द 760 mm ऑफ HG, दैट इज़ द प्रेशर, और हमें KH की वैल्यू बताई गई है, तो हमें X सोल्व करना है, P और KH की वैल्यूज हमारे पास हैं, तो सिंपल है भी ये तो बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास दिस इज़ दी वैल्यू ऑफ द KH, दिस इज़ दी वैल्यू ऑफ द P, तो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू KH इनटू X, तो X हमने सोल्व करनी है, तो KH ओवर में चला जाएगा, P ओवर KH, तो P की वैल्यू लगाएंगे, KH की वैल्यू लगाएंगे, इसको सोल्व कर देंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द CO2 इन वाटर यानी कि वो कितनी डिजोल्व हुई है सोलबिलिटी, वो आ गई हमारे पास 6.08 × 10⁻⁴, ठीक है। इतना क्लियर है अभी? तो ये हो गया आप लोगों का हेनरीज लॉ। इसके आगे चलते हैं, इसके बाद है यहाँ पर वेपर प्रेशर के बारे में। तो वेपर प्रेशर में है हमारे पास रोल्स लॉ, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। तो यही इसने बताया है कि इन द केस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द वोलेटाइल लिक्विड्स, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस पर बेस्ड हमने फिर कुछ यहाँ पर फॉर्मूला बना लिए, तो इसका मतलब PA यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ पर आया है PA नोड और यहाँ पर PB नोड। अब ये देखिए PA नोड क्या है, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A, ठीक है। तो प्योर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि जब A था ओनली, उसमें B अभी ऐड हुआ नहीं था, प्योर A था, प्योर A का वेपर प्रेशर क्या होता है, दैट इज द PA नोड, उसमें B ऐड कर दिया तो बाद में क्या बन गया, वो PA बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही ये है PB नोड, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट B, तो इन दोनों को ऐड कर हमें मिल जाएगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, PA नोड X A इंटू PB नोड XB, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द
टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है अभी? तो इस पर बेस्ड हम इसे यहाँ पर ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये था जब हमारे पास प्योर ए था, बी का अमाउंट ज़ीरो था, तब हमारा वेपर प्रेशर था पी ए नोड। जैसे जैसे हम इसमें बी को हमने यहाँ पर ऐड करते गए तो ए का जो है वो प्रेशर यहाँ पर होता गया डिक्रीज और बी का होता गया यहाँ से इंक्रीज, क्योंकि बी इसमें ऐड हो रहा है और एंड में जाकर ओनली बी है, ए का अमाउंट ज़ीरो है, इसलिए ए का प्रेशर हो गया यहाँ पर ज़ीरो और बी का बन गया पी पी नोड। और किसी भी अमाउंट पर हमने सोल्व करना हो टोटल वेपर प्रेशर तो वो हमें इस कर्व से मिल जाता है। क्लियर अभी? तो ऐसे हम इसको एक ग्राफ में दोनों ही पी ए और पी बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ग्राफ्स भी आप लोगों से इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों से पूछी जाती है कि जब दोनों ही यहाँ पर वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं उनके क्या बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे, तो वेपर फेस में भी हम उनकी मोल फ्रैक्शन से सोल्व कर सकते हैं। सो मोल फ्रैक्शंस इन दी वेपर फेस क्या बन जाएंगी, वाई ए के साथ हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाई दी टोटल प्रेशर, सिंपल है, ठीक है। ये ए का प्रेशर है ये वाला और इसके ओवर में ये पी टी का आंसर हमने रख देना है और ऐसे ही पी बी ओवर पी टी हो जाएगा कॉम्पोजिशन ऑफ दी वेपर फेस, यानी कि मोल फ्रैक्शन इन दी वेपर फेस, ठीक है। इसमें भी सेम होता है, वाई ए प्लस वाई बी क्या मिलेगा हमें, आंसर इज इक्वल टू वन मिलेगा, ठीक है। क्लियर है अभी? तो ऐसे ही होता है रोल्स लॉ फॉर दी नॉन वोलेटाइल सल्यूट इन द लिक्विड। जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करते हैं किसी भी लिक्विड में तो वो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर देता है। नॉन वोलेटाइल मतलब जिसके वेपर्स ही ना बनते हों, ठीक है, जो वेपर्स ही नहीं बना सकता तो वो सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर डिक्रीज ही कर देगा, क्योंकि वो खुद सरफेस पर आ जाता है और सरफेस से सॉल्वेंट को के एस्केप होने की टेंडेंसी को वो वहाँ पर डिक्रीज कर देता है, देयरफॉर उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ओके भी, तो इसके साथ भी हमने रोल्स लॉ को एक्सप्लेन करना है, रोल्स लॉ फॉर दी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन दी सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा कि अब देखिए, हमने पहले किया था कि पी टोटल जो होगा वो क्या होगा, पी ए नोड एक्स ए प्लस पी बी नोड एक्स बी, यही था, ठीक है। मान लीजिए बी है हमारा सॉल्यूट, ए है हमारा सॉल्वेंट, तो इसका तो वेपर प्रेशर ही ज़ीरो है, तो यही बच गया टोटल, तो इसलिए पी टी क्या बन जाएगा, पी ए नोड इंटू एक्स ए, यानी कि पी टी और पी ए दोनों एक बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बी तो अपना बी तो अपने वेपर से नहीं फॉर्म कर सकता, इसलिए उसका कोई वेपर प्रेशर होगा नहीं, जीरो होगा, तो इसलिए हमें टोटल वेपर प्रेशर जो है वो क्या मिल जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, सो देयरफॉर पी इज इक्वल्स टू पी ए नोड इंटू एक्स ए, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, रोल्स लॉ फॉर दी सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में। अगर तो स्पेशल केस पूछा जाए कि नॉन वोलेटाइल वाला रोल्स लॉ या फिर जो हमने इससे पीछे किया था, तो आपने जो पूछा जाए वो वाला एक्सप्लेन करना है। अगर सिंपली पूछा जाए रोल्स लॉ क्या होता है, तो आप लोग दोनों में से जो भी आपको याद है वो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है अभी? इसके बाद है कि रोल्स लॉ और जो हेनरी सला होता है, ये दोनों जो आपस में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं, तो इन दोनों में क्या क्या सेम है और क्या क्या इन दोनों में यहाँ पर डिफरेंट है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। सो रोल्स लॉ इज़ ए स्पेशल केस ऑफ द हेनरी सला, क्योंकि बोथ अप्लाई करते हैं वोलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन पर, ठीक है। रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज पी ए नोड इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, और यहाँ पर हेनरी सला के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू दी, कि यहाँ पर हेनरी सला कॉन्स्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। तो सिर्फ इनमें के एच और पी ए नोड का ही डिफरेंस है प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट्स का, बाकी फार्मूले पी और एक्स ही हैं, यहाँ पर भी पी और एक्स है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है अभी? तो ऐसे छोटी छोटी जो पॉइंट्स होते हैं उनको जरूर याद रखिएगा। इन सभी नोट्स में से आप लोगों ने कुछ भी नहीं स्किप करना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ही जो कुछ इंपॉर्टेंट था सिर्फ उसी को यहाँ पर ऐड किया है। ये आप लोगों ने कम्प्लीटली अच्छे से ज़रूर करने हैं सभी के सभी। इसके बाद होते हैं दो टाइप के सॉल्यूशंस, जो यहाँ पर आइडियल एंड नॉन आइडियल।
तो आइडियल सॉल्यूशन जिनमें रोल्स लॉ अप्लाई होता है, जो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं, नॉन आइडियल जो रोल्स लॉ को ना ओबे करें ओवर द इंटायर रेंज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन के आंसर रोल्स लॉ के फार्मूले के अकॉर्डिंग ही आएंगे, बट नॉन आइडियल के आंसर उनके उनके इक्वल होने की बजाय कुछ अलग वैल्यूज यहाँ पर आएंगी। सो पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए और पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। तो ये क्यों होता है? आइडियल सॉल्यूशन में जो हमारे ए और बी थे उनकी अट्रैक्शंस, ठीक है, अपनी अट्रैक्शंस, और जब हमने उन दोनों को आपस में डिजोल्व कर दिया, बाद में न्यू अट्रैक्शन ए बी अट्रैक्शन, ए बी इंट्रैक्शंस और ए ए एंड बी बी इंट्रैक्शन, ये सभी एक जैसी होती हैं, इसीलिए उसमें कोई भी फोर्सेस का अमाउंट नहीं चेंज होता, एक जैसी इंट्रैक्शन बन जाती है, तो हमें रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही सभी आंसर्स मिलते हैं। बट नॉन आइडियल में क्या होता है कि जो ए बी इंट्रैक्शंस हैं वो ए ए और बी बी इंट्रैक्शन से कुछ अलग होती हैं, इसलिए उनमें आंसर्स भी कुछ अलग आते हैं बाद में। तो इसमें हीट चेंज और मिक्सिंग जीरो रहता है, उसमें नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इसमें वॉल्यूम चेंज और मिक्सिंग भी जीरो रहता है कि मिक्सिंग के अकॉर्डिंग कोई भी वॉल्यूम नहीं चेंज होती, और इसमें वॉल्यूम चेंज इज नॉट इक्वल टू जीरो के आइदर वो पॉजिटिव होगा या फिर यहाँ पर नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल्स याद रखनिया है, इसमें है बेंजीन एंड टोलुइन एंड एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, और यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास इथाइल अल्कोहल इन वाटर और एसीटोन इन दी क्लोरोफॉर्म, ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स बन सकती हैं। अब देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की भी आगे दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं जिनके आंसर रोल्स लॉ से हायर आते हैं, एक होते हैं जिनके आंसर रोल्स लॉ से लो आते हैं। तो सबसे पहले हैं पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, ठीक है, जिनके आंसर जिनके वेपर प्रेशर रोल्स लॉ के एक्सपेक्टेड आंसर से ज़्यादा आए, ग्रेटर वैल्यू में आए, पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए, दो सॉल्यूशंस आर दी पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो न्यू इंट्रैक्शंस बनी हैं ए बी वाली वो वीक होती हैं देन दी ओल्ड इंट्रैक्शंस ऑफ दी ए ए एंड बी बी, इसलिए फिर बाद में जो ए और बी हैं वो दोनों इजीली इस्केप कर पाएंगे, क्योंकि न्यू इंट्रैक्शंस ही काफ़ी वीक हैं, इसलिए उनके वेपर प्रेशर्स एक्सपेक्टेड से हायर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पर इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। अब देखिए इथाइल अल्कोहल में अपने खुद के हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, जब उसको हम वाटर में ऐड करते हैं तो न्यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग उससे वीक होती है ओल्ड वाली से, तो इसलिए क्या होता है कि उनमें जो वहाँ पर इस्केप होने की टेंडेंसी इंक्रीज होने के कारण वेपर प्रेशर उनके इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसे ही इथाइल अल्कोहल इन साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा नहीं, वो इथाइल अल्कोहल के जो है वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को भी ब्रेक कर देगा, तो इसका मतलब है कि न्यू इंट्रैक्शंस काफ़ी वीक हैं, तो सभी मॉलिक्यूल्स इजीली इस्केप कर सकते हैं, देयर फॉर द वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, तो इसमें एंथैल्पी चेंज भी पॉजिटिव होगा, यानी कि हीट यहाँ पर अब्सॉर्ब होगी। ठीक है, और वॉल्यूम चेंज भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसे ही इसके ऑपोजिट जिनमें क्या शो होगी? नेगेटिव डेविएशन, यानी कि वेपर प्रेशर की वैल्यू रोल्स लॉ के एक्सपेक्टेड वैल्यू से लो आएगी। ठीक है, और क्योंकि इसमें ए बी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी, जो ओल्ड इंट्रैक्शन से न्यू इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तो फिर मॉलिक्यूल्स का एस्केप होना वहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाता है, देयर फॉर द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स याद रखना, दैट इज़ द एसीटोन इन द क्लोरोफॉर्म, क्योंकि एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म बाद में खुद में वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं, तो एसीटोन का फार्मूला होता है CH3CO, तो CH3CO एंड CH3, और वहाँ पर क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, तो इसका CH इस तरफ लिख लेते हैं CHCl3, इन दोनों पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो है वो वेपर प्रेशर फिर डिक्रीज हो जाएगा, देयरफॉर इट शो दी नेगेटिव डेविएशन, और यहाँ पर हीट चेंज भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, और वॉल्यूम चेंज भी हमारा नेगेटिव होगा। क्लियर है अभी? तो यही सॉल्यूशंस में कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सॉल्यूशंस बनाते हैं हमारे लिए एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। अब देखिए एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? जब हम सॉल्यूशन को हीट करते हैं उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं, और एक कंपोनेंट के वेपर्स ज़्यादा बनते हैं वो वहाँ से बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसके साथ के सॉल्यूशन की कंपोजिशन चेंज होती रहती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। बट एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर के
एक कंपोनेंट के वेपर्स ज़्यादा बनने की बजाय दोनों के ही वेपर्स एक जैसे बनने शुरू हो जाते हैं, मतलब कि वहाँ पर एक इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाता है और उस स्टेज के बाद सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होती क्योंकि ए और बी सेम अमाउंट में ही वहाँ से एस्केप करने शुरू कर जाते हैं। ठीक है, सो इसी जो स्टेट को, इसी मिक्सचर को हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इसको हमने क्या बोल दिया है, फॉर द स्पेसिफिक कंपोजिशन द सॉल्यूशंस विच बॉयल एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, के मतलब वो एक ही कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होता रहता है। ठीक है, एंड कैन स्टिल अनचेंज्ड इन द कंपोजिशन, और वहाँ पर जाकर उसकी कंपोजिशन चेंज होना रुक जाती है। ठीक है, सो एट दिस पॉइंट लिक्विड एंड वेपर फेस हैज द सेम कंपोजिशन, लिक्विड की कंपोजिशन और वेपर फेस की कंपोजिशन दोनों की सेम बन जाती है क्योंकि दोनों जो भी उसमें होंगे कंपोनेंट उन सभी के वेपर्स फॉर्म हो चुके होते हैं, वो सभी ऊपर चले जाते हैं तो दोनों की सेम कंपोजिशन बन जाती है। ठीक है, तो लिक्विड ऐसे बिहेव करता है कि जैसे उसमें कुछ ऐड ही ना किया गया हो, वो एक प्योर कंपोनेंट हो। ठीक है, क्योंकि दोनों ए और बी के सेम अमाउंट ऑफ दी वेपर्स बनकर ऊपर जाते हैं तो दोनों ही लिक्विड और गैस की सेम कंपोजिशन हो जाती है। इसकी एग्जांपल्स आप लोगों ने याद रखनी है, बिल्कुल ईजी है। जो सॉल्यूशन बनाते हैं पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में उनके वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएंगे तो वो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लो टेम्परेचर पर हो जाएंगे, इसलिए इनको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। और जो शो करते हैं यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन वो बनाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप लोगों ने याद रखनी है और इनकी एग्जांपल्स को ज़रूर कर लेना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सुनाओ, इसके बाद हम इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द क्लोरोफॉर्म एंड द डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 mm of Hg एंड 415 mm of Hg, दीज आर दी वेपर प्रेशर्स ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स। ठीक है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब हमें PT टोटल प्रेशर सोल्व करना है, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग दिस ग्राम ऑफ द क्लोरोफॉर्म एंड दिस ग्राम ऑफ द डाइक्लोरोमीथेन, एंड बाद में हमें मोल फ्रैक्शंस इन द वेपर फेस भी सोल्व करनी है। ठीक है, तो आपके ये जो रोल्स ला के फार्मूलाज हैं वो सभी आपको यहाँ से अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो इसमें हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो हम यहाँ पर ज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है दैट इज़ दी ए कंपोनेंट एंड दी डाइक्लोरोमीथेन इज़ दी बी कंपोनेंट। हमें वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए हमें यहाँ पर दिया गया है 200 एंड हमने मास निकाल लिया क्लोरोफॉर्म का। ठीक है, इन सभी के मासेस को ऐड कर वो आ गया, हमने निकालने हैं मोल्स ऑफ द क्लोरोफॉर्म, तो उसका फार्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, तो उसका आंसर हमने निकाल दिया। तो आप लोगों ने खुद सॉल्विंग करनी है साथ में। तो ऐसे ही हमने बी के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने हैं, उसका वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट की वैल्यू हमें दी गई है, मास हमने उसके फॉर्मूला से सोल्व कर लिया और उसका गिवन मास था हमारे पास 40 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर दी गई थी वैल्यू, तो दोनों के मोल्स आ चुके हैं। अब इन दोनों के मोल्स को हमने यहाँ पर ऐड कर लेना है तो वो हमें ये आंसर मिल जाएगा। अब इससे हमने सोल्व करनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए, दैट इज़ द मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ए के मोल्स कितने हैं, 0.213, और डिवाइड में रखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से हमें मिल गई है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो वहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। सो दीज आर दी टू वैल्यूज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। तो अब हम फार्मूला सिर्फ अप्लाई करेंगे पी टी का। टोटल प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, पी टी इज इक्वल्स टू दी पी ए नोड एक्स ए प्लस पी बी नोड एक्स पी। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज हमने अलग अलग सोल्व कर इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, अभी तो एक्स ए और एक्स बी हमारे पास आ चुकी हैं, तो अब हम सबसे पहले सोल्व करेंगे हमारी पी ए नोड इंटू एक्स ए, दैट इज़ दी पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ द ए इन द सॉल्यूशन, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से दिस वन। ऐसे ही हम लोग बी के लिए पार्शियल प्रेशर सोल्व कर लेंगे, उसका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, इतना क्लियर है अभी। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पी ए प्लस पी बी, तो ये दोनों को ऐड कर हमें आंसर मिल गया। एक तो उसने यही पूछा था, दूसरा उसने हमसे पूछा था कि
वेपर फेस में मोल फ्रैक्शंस क्या हैं, उसके लिए फार्मूला होता है वाई ए। मैंने आपको फार्मूला अभी इसमें एक्सप्लेन किया था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द ए डिवाइडेड बाय द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो पी ए बाय हम यहाँ पर कर देंगे पी टी, पी ए की वैल्यू है 62.4 और टोटल प्रेशर है दिस वन, तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा 0.18। तो बी की मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, 1 माइनस कर कर, तो ये हमें आंसर्स मिल जाएंगे। क्लियर है अभी? तो ऐसी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपको यहाँ पर आ सकती हैं, इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये पूरी सॉल्विंग कर कर आप लोग इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं, हमारा जो अगला मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दी दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। कितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, कितने उसके मोल्स हैं, ये प्रॉपर्टीज सिर्फ उसी पर ही डिपेंड करेंगी, कौन सा सॉल्यूट है इस पर बिल्कुल नहीं डिपेंड करेंगी। तो इसमें हमारे पास चार प्रॉपर्टीज आती हैं, इनको हम वन बाय वन यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है, दैट इज़ दी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, कि जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कैसे डिक्रीज होता है, कितना डिक्रीज होता है, उसके बारे में हमें एक प्रॉपर्टी बनाई है, दैट इज़ दी रिलेटिव लोअरिंग इन दी वेपर प्रेशर। ठीक है, इसमें क्या है, मान लीजिए कि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी को ऐड कर दिया है सॉल्वेंट ए में। ठीक है, तो हमने अभी अभी रीड किया था, रोल्स लॉ ने हमने ये बताया था कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज़ दी ओनली वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट बिकॉज सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। तो पी ए का फार्मूला होता है पी ए नोड इंटू एक्स ए, पी ए नोड हमने ओवर में यूज़ कर दी, सो ये बन गया पी बाय पी ए नोड इज इक्वल्स टू एक्स ए, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। इतना क्लियर है? अब हम सोल्व करेंगे यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि एक्स बी। ठीक है, अब देखिए एक्स बी इज इक्वल्स टू दी वन माइनस एक्स ए, और एक्स ए का आंसर हम ये वाला यूज करते हैं पी ओवर पी ए नोड, इनका एलसीएम करेंगे, ये इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो वी गेट द पी ए नोड माइनस पी, पी यहाँ पर क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ओवर पी ए नोड, दैट इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो हमने यहाँ से क्या प्रूफ कर लिया है कि पी ए नोड माइनस पी ओवर पी ए नोड इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अब यहाँ पर पी ए नोड माइनस पी क्या है, पी ए नोड इज दी वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट और पी है यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना चेंज हुआ है, दैट इज दी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर हम डिवाइड कर देंगे शुरू वाला यानी कि प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, देन इट बिकम्स द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, के जो शुरू में वेपर प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट का उसके अकॉर्डिंग कितना लो हो गया है वो, दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका आंसर क्या है, ओनली इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर ही सिर्फ डिपेंड करता है, देयरफॉर इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आपको कोई पूछ ले कि व्हाई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपने फॉर्मूला बताना है कि वो एक्स बी के इक्वल है, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, के कितने हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स उसमें यूज़ किए हैं उसी पर ये सिर्फ डिपेंड करता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम लोग मोल फ्रैक्शन का अगर फार्मूला यूज़ कर लें, मोल्स ऑफ बी ओवर मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी वाला, ठीक है, हमने इससे पहले यूज़ किया है, तो उससे हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। हम लोग यहाँ से मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकाल सकते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, डब्ल्यू बी इज़ दी गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, एम ए इज़ दी मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट सॉल्वेंट, और डब्ल्यू ए इज़ दी गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट, ए है यहाँ पर सॉल्वेंट, ठीक है, और बी है यहाँ पर सॉल्यूट, और ओवर में है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और यहाँ से हम लोग मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकाल सकते हैं। ये फार्मूले याद रखना, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं। ठीक है भी, तो आगे चलते हैं, सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। जब हम सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब देखिए सॉल्यूशन को बॉयल होने के लिए क्या चाहिए कि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसे हमें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से हायर टेम्परेचर पर हीट करना पड़ता है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया था,
उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सेम बनाने के लिए, इक्वल बनाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर पर हीट करना पड़ता है दैन दी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। वो हमने उसको कितना टेम्परेचर हायर हीट किया है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से, दैट इज़ नोन एज दी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ये आप लोग रीड कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर सोलवेंट होता तो वो यहाँ पर उसका प्रेशर हो जाता 1 एटमोस्फेरिक, तो वो यहाँ पर आकर ही बॉयल हो जाता एट ए टेम्परेचर टीबी नोट। ठीक है, अब हमने उसमें ऐड कर दिया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसका वेपर प्रेशर लो हो गया है। अब उसका टीबी पर तो यहाँ तक पहुँचा है सिर्फ वेपर प्रेशर, उसको ऊपर तक पहुँचाने के लिए हमें उसे हायर टेम्परेचर पर हीट करना पड़ा एट टीबी टेम्परेचर। सो टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड टीबी नोट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। सो देयरफॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नोट, टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो इतना इंक्रीज हुआ है, दैट इज द डेल्टा टीबी, दैट इज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। और एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया कॉन्स्टेंट के बी। सो के बी इज़ दी मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट, या इसका एक और नाम रखते हैं दैट इज दी इबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो वी गेट द, यहाँ पर हमें फार्मूला मिल चुका है, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू द के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर मोलैलिटी का फार्मूला अगर हम यूज़ कर लें तो ये हमें फार्मूला मिल जाएगा, के बी ऐसे ही रहेगा, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू द गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट डब्ल्यू ए इनटू 1000। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है डेल्टा टीबी का। हम लोग यहाँ से भी एम बी सोल्व कर सकते हैं, एम बी यहाँ चला जाएगा, डेल्टा टीबी ओवर में आ जाएगा, तो बिल्कुल सिंपली आप इसे सोल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर है अभी? सो ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हम यहाँ पर सिंपल सी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास स्टेटमेंट है कुछ के, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज दिस वन, सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर कंपोनेंट। व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दैट इज द गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, वाज डिसॉल्वड इन दिस ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन इज द सॉल्वेंट, सो दैट इज द गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट रेज टू दिस वन, सो दिस इज द टीबी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, के बी की वैल्यू हमें बताई गई है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें निकालना है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज द टीबी माइनस टीबी नोट। ठीक है, तो टीबी की वैल्यू है 354.11 माइनस 353.23। इसको करेंगे अगर हम लोग यहाँ से सब्ट्रैक्ट, तो ये आपका बच जाएगा 0.88। ठीक है, अब हमें निकालना है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, तो फॉर्मूला क्या होगा, एम बी इज इक्वल्स टू, मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है, याद रखिए भी साथ साथ में, के बी ओवर डेल्टा टी बी, डब्ल्यू बी ओवर डब्ल्यू ए इंटू 1000। ठीक है, अब इसमें सभी आंसर्स को यूज़ करते हैं, के बी की वैल्यू है 2.53, ऊपर सभी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर ही डोनेट कर दी, आप लोगों ने सभी वैल्यूज़ यहाँ पर उतार देनी है कि इसकी वैल्यू ये दी गई है, और डब्ल्यू बी है हमारा 1.80, डेल्टा टी बी आया है 0.88, डब्ल्यू ए है हमारा, डब्ल्यू ए दैट इज़ दी 90 इंटू 1000। अब इसकी आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है ओनली, 253 की दो जीरोज और 0.88 की दो जीरोज, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई, 1.80 की दो जीरोज 90 इंटू ऊपर है 1000। ठीक है, ये इस पर कैंसिल हो जाएगा 2, ये दो जीरोज इसके साथ कैंसिल कर दें, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 44, तो ये 11 पर कैंसिल हुआ 4, ये 11 पर कैंसिल होगा, ये बन जाएगा 23, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया 230/4, इसको आप लोग करेंगे डिवाइड, तो ये बन जाएगा 57.5। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 57.5 ग्राम पर मोल, इसका आ जाएगा मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो ऐसे आपको फॉर्मूला आता हो, ठीक है, सिंपली आप लोग इसे सोल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज़ दी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, कि जो सॉल्यूशन नॉर्मली मान लीजिए 0 डिग्री पर फ्रीज होता है जैसे कि वाटर, फिर वो 0 से भी लो टेम्परेचर यानी कि -4
-1, -2 ऐसे किसी टेम्परेचर पर जाकर वो फ्रीज होगा जब उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया होगा। यानी कि अगर हम वाटर में सॉल्ट ऐड कर दें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, जीरो से भी लो हो जाएगा। इसको हम ऐसे ग्राफिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज़ दी लिक्विड सॉल्वेंट और यहाँ पर जाकर वो हो जाता है फ्रीज, सो दिस इज़ दी फ्रोजन सॉल्वेंट। अब फ्रीज तो अकेला सॉल्वेंट होगा ना, सॉल्यूट तो ऑलरेडी ही नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए हमें उसे लो टेम्परेचर पर हीट करना पड़ता है, तो वो यहाँ पर आकर इस कर्व के साथ मीट करता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो है और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हायर है। ठीक है, सो देयरफॉर अब हमें यहाँ से मिल जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना लो हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, उसमें से हम करेंगे सब्ट्रैक्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि इस बार सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लो है, उससे भी छोटी वैल्यू है, तो इसलिए टीएफ नोड माइनस टीएफ। ठीक है, तो ये भी सेम है जैसे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के फार्मूले थे, बिल्कुल सेम फार्मूले, सिर्फ बी की जगह पर एफ लिखना है। डेल्टा टीएफ इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, यहाँ पर आ जाएगा के एफ इंटू एम, तो इसको भी फार्मूला हमारे पास यही बन जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। तो सिमिलर फार्मूले हैं बिल्कुल, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। ठीक है, तो यहाँ से हम एम बी भी ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सेम फार्मूला है। इस पर बेस्ड अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये आप लोगों ने खुद करनी है। ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमें क्या क्या यहाँ पर बताया गया है। 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, सो दिस इज दी डब्ल्यू बी इन 50 ग्राम ऑफ द बेंजीन डब्ल्यू ए। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय, इस बार तो ईजी हो गया, डेल्टा टी एफ ही दिया हुआ है कि इतना फ्रीजिंग पॉइंट लो हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट इतना है, दिस इज दी के एफ, तो आप लोगों ने एम बी सोल्व करना है। सिमिलर है जैसी हमने प्रॉब्लम अभी की थी, तो एम बी आप लोग अब खुद सोल्व कर बताना मुझे कि इसका क्या आंसर आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में। क्लियर है अभी, तो आगे चलते हैं। इसके बाद आ गया कि ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए ओस्मोसिस क्या होती है, जब हम दो लिक्विड्स को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ सेपरेट कर देते हैं, तो क्या होता है कि सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम दी लो कंसंट्रेशन ऑफ दी सॉल्यूट साइड टू दी हायर कंसंट्रेशन ऑफ दी सॉल्यूट साइड की तरफ सॉल्वेंट मूव करता है। एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए हमने इसमें ऐड किया है सुगर सॉल्यूशन इस पूरे पार्ट में, और यहाँ पर जोड़ी गई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और बाहर है वाटर। अब देखिए बाहर क्या होगी लो कंसंट्रेशन और अंदर वाले की क्या होगी हायर कंसंट्रेशन ऑफ दी सॉल्यूट के अकॉर्डिंग, तो बाहर से सॉल्वेंट अंदर जाना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट जिस तरफ हायर कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की उस तरफ वो जाएगा, मतलब कि प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा। अगर हम सोचें कि साफ पानी से जिस साइड पर थोड़ा सा खराब पानी है उस तरफ हमारा पानी जाना शुरू हो जाएगा, वाटर हमारा जाना शुरू हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस। ठीक है, अब देखिए कि अगर ओस्मोसिस हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो सॉल्वेंट है ये मूव कर रहा है इस तरफ, ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, तो अगर हमें इसको रोकना हो तो हमें यहाँ पर कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ से प्रेशराइज कर दें तो ये मूवमेंट होनी रुक जाएगी। इस मूवमेंट को रोकने के लिए कितना प्रेशर लगाते हैं, दैट इज नोन एज दी ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ओस्मोटिक प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलर कंसंट्रेशन। इससे जो पीछे वाली दोनों प्रॉपर्टीज में हमने क्या यूज़ की थी मोलैलिटी, यहाँ पर क्या आएगी मोलैलिटी, तो इसको प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर हमने यहाँ पर लगा दिया आर टी। आर है यहाँ पर गैस कॉन्स्टेंट और टी इज़ दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो मोलैलिटी का फार्मूला मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो मोल्स का फार्मूला हमने लगा दिया गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू आर टी। तो यहाँ से भी हम लोग एम बी सोल्व कर सकते हैं। ओस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं विद द सिंबल ऑफ द पाई। ठीक है, तो इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों प्रॉपर्टीज के चार फार्मूले हैं, ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, अभी तो सबसे अच्छा है कि आप लोग खुद इसके नोट्स बनाएं, बाकी मैं भी आपको नोट्स प्रोवाइड साथ में ही इसके हो जाएंगे इसी वीडियो में, तो आप लोगों को के लिए सबसे अच्छा है कि आप लोग इसके खुद नोट्स बनाएं, तो आपको सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। ठीक है,
तो इसके बाद है कि ओस्मोटिक प्रेशर का जो हमारा ये पूरा मेथड है जिसके साथ के हम मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट को सोल कर सकते हैं, इसको यूज़ किया जाता है अगर हमने प्रोटीन्स के या फिर किसी पॉलीमर्स के या फिर अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मासेस को सोल करना हो, जिनके मासेस काफ़ी हाई होते हैं उनको सोल करने के लिए ओस्मोटिक प्रेशर का ही मेथड यूज़ किया जाता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, वो वाले बिल्कुल नहीं यूज़ होते, सिर्फ यही यूज़ करते हैं क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर होता है, ना तो हमें फ्रीज करना पड़ता है ना ही हमें सोल्यूशन को बॉयल करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ये मेथड सबसे अच्छा रहता है। और अगर हम काफ़ी लो अमाउंट में भी अपना सोल्यूट यूज़ करें इसके आंसर फिर भी काफ़ी मेजरेबल आ जाते हैं, मतलब ये नहीं कि बहुत ही स्मॉल चेंज होगा ऑस्मोटिक प्रेशर में, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है अगर हम लो अमाउंट ऑफ सोल्यूट भी ऐड करते हैं। और यहाँ पर मोलैरिटी यूज़ की जाती है जिसको कि सोल करना ईजी है क्योंकि उसमें वो वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम को सोल करना ईजी रहता है देन दी मास की बजाय, जो कि मोलैरिटी में था वहाँ पर हमने मास यूज़ किए थे डेल्टा टी बी के फार्मूले में, और यहाँ पर हमने यूज़ की है वॉल्यूम। तो ये रीजंस आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों ओस्मोटिक प्रेशर के मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। भी ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो आगे है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं वो सॉल्यूशंस जिन वो दो सॉल्यूशन जिनके ओस्मोटिक प्रेशर सेम हो, दो सॉल्यूशंस आर नोन एज दी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि 0.91% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड इन वाटर सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद द फ्लूइड्स इनसाइड द ह्यूमन आरबीसी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सलाइन वाटर। जब कोई इंजेक्शन वगैरह हमें दिया जाता है वो इसी में ऐड कर कर दिया जाता है सलाइन वाटर में, ताकि ह्यूमन आरबीसी के साथ जो हम कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड ऐड कर रहे हैं हमारे ब्लड में उसकी ओस्मोसिस ना हो पाए, ठीक है। क्योंकि सेम होगी अगर अमाउंट तो ओस्मोसिस वहाँ पर रुक जाएगी, अगर अलग अलग अमाउंट रखेंगे तो ओस्मोसिस हो जाएगी। जिस सॉल्यूशन, अगर दो सॉल्यूशंस में से जिस सॉल्यूशन का ओस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा दैट इज़ दी हाइपरटोनिक, जिसका लो होगा दैट इज़ दी यहाँ पर हाइपोटोनिक, ठीक है। मोर वाला हो गया हाइपरटोनिक, ओके। अभी सुनाओ, इसके बाद हमारे पास सम कॉमनली अकरिंग प्रोसेसेस, जैसे कि जो लोग ज़्यादा सॉल्टी फूड खाते हैं उनके उनके फिर टिश्यू सेल्स में वाटर की रिटेंशन हो जाती है, और जिसके कारण के उनमें स्वेलिंग हो सकती है। दिस सिचुएशन इज नोन एज दी इडेमा। और सेकंड है कि जैसे कोई मीट वगैरह होता है या फिर हमारे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि उनके ऊपर अगर हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पर ओस्मोसिस होने के कारण अपना पूरा वाटर लॉस कर देता है, जिसके कारण के वो बैक्टीरिया वहाँ से ख़त्म हो जाता है। ऐसे हम फूड को भी फिर बचा सकते हैं, मीट को भी बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑस्मोसिस की एग्जांपल्स हैं, और भी ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसके बाद है हमारी रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, आपको नाम से आइडिया हो गया, रिवर्स हमने ऑस्मोसिस को करना है रिवर्स। तो फिर ऑस्मोसिस में क्या था कि जो प्योर सोलवेंट साइड से, ठीक है, सोलवेंट मूव करता था टुवार्ड्स दी सॉल्यूशन साइड, ठीक है ना। बट हमारे पास इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर है हमारे पास प्योर वाटर, ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास इम्प्योर वाटर, तो हमने इसको रिवर्स करना है ताकि सॉल्यूशन साइड से सोलवेंट मूव कर प्योर सोलवेंट की साइड चला जाए। तो फिर इसको रिवर्स करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि हम लोग यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे मोर देन दी ओस्मोटिक प्रेशर, ताजो सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट मूव कर सॉल्वेंट की साइड पर चला जाए, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट की साइड चला जाए। मतलब कि इस साइड पर हमने रखा है इम्प्योर वाटर, मतलब कि वो वाला पानी जिसमें काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट वगैरह ऐड हुए हुए हैं, और इस साइड है हमारा प्योर वाटर। तो हमने फिर प्रेशर अप्लाई करना है मोर देन दी ओस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ताकि सॉल्वेंट का मूवमेंट रिवर्स हो जाए और हमारा जो इम्प्योर वाटर है वो भी धीरे धीरे साफ पानी में चेंज हो जाए, वाटर हमारा साफ हो जाए। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आरओ, ठीक है, जो हमारे वाटर प्योरीफायर्स होते हैं उनमें आरओ
प्रोसेस यूज़ की जाती है, दैट आरओ मींस द रिवर्स ओस्मोसिस प्रोसेस। इसके साथ हम वाटर की डिसेलिनेशन भी की जा सकती है, मतलब उसमें से सॉल्ट वगैरह को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अभी तो आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इसके ऊपर बेस्ड कुछ सोल्व करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। तो हमारी सबसे पहली स्टेटमेंट है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी दिस वन। तो ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हो गया हमारा गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, ये हो गई वॉल्यूम। तो हमें सोल्व करना है मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, एम बी हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे अपने स्टेटमेंट से आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं और क्या क्या वैल्यूज आप लोगों ने सोल्व आउट करनी है। क्लियर है अभी? तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। तो हमारे पास है यहां पर वॉल्यूम, सो V इज 200 सेंटीमीटर क्यूब, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट इज 1.26, ठीक है, और टेम्परेचर है 300 केल्विन, एंड R की वैल्यू आप लोगों ने बार में दिया है, प्रेशर तो हमने यूज़ करनी है 0.083, ठीक है, अगर एटमोस्फियरिक में होता तो 0.082 हम यूज़ कर लेते, और पाई की वैल्यू हमें ये दी गई है। तो बस हमें फॉर्मूला लगाना है, मास मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल्स टू द गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दोनों हमने यहाँ पर एक्सचेंज कर दिए हैं, और वॉल्यूम इनटू आर एंड टी, सभी आंसर्स यूज़ करें और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दिस वन। प्रोटीन है तो उनके मोलर मासेस काफ़ी हाई आते हैं, इसलिए ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है अभी? ठीक है, सिंपल था। तो आगे चलते हैं, ऐसी ही एक और प्रॉब्लम है यहाँ पर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। स्टेटमेंट क्या है कि 5% बाय मास सॉल्यूशन ऑफ द केन शुगर, जिसका के मॉलिक्यूलर वेट है 342, इज आइसोटोनिक विद द 0.877% ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स। एक है हमारे पास केन शुगर का सॉल्यूशन, उसकी है कंसंट्रेशन 5% बाय मास, दूसरा किसी एक्सेस सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, दोनों क्या है आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक मतलब दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर्स इक्वल हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द केन शुगर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द कंपाउंड एक्स, दीज टू आर इक्वल। तो यहां से हमें सोल्व करना है मोलर मास ऑफ दिस सब्सटेंस, तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्व करते हैं, उनको बाद में हम आपस में यहां पर इक्वेट कर देंगे। ठीक है, अभी स्टेटमेंट आ गई समझ? तो सिंपल है, तो एक बार आपको फार्मूले अंडरस्टैंड हो तो आप इजीली कर सकते हैं। केन शुगर है 5% बाय मास, मतलब क्या है कि 5 ग्राम हमने ऐड किया है 100 ml में ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन का 100 ml और 100 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं वॉल्यूम एंड मास, तो इसलिए हमने 100 ml यूज़ कर लिया। सो गिवन मास ऑफ द केन शुगर इज 5 ग्राम एंड वॉल्यूम इज यहाँ पर 100 ml है, तो मतलब 0.1 लीटर। ठीक है भी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे केन शुगर का, डब्ल्यू बी एम बी वॉल्यूम एंड आर टी सभी वैल्यूज यूज़ करेंगे। इसको अभी ऐसे ही आप लोगों ने छोड़ देना है। ठीक है, दूसरी साइड पर भी हमारे पास सेम स्टेटमेंट थी, 0.877 ग्राम था 100 ml में, वहाँ पर भी हमने ऐसे ही वैल्यूज रख ली। अब इन दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे, ये दोनों आंसर्स को, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में इक्वेट किए गए, और यहाँ पर R एंड T आपस में कैंसिल हो गए, 0.1 आपस में कैंसिल हो गया, तो हमने यहाँ से M निकालना है, M चला जाएगा ऊपर, ये दोनों इस तरफ आ जाएंगे रेसिप्रोकल में, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आएगा। इसको हमने यहाँ पर 300 यूज़ कर लेना है, तो ये आ जाएगा आपका 60 ग्राम पर ml। ठीक है, मतलब सिंपल सॉल्विंग है, प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस कर लेना भाई, प्रैक्टिस होगी तो ही आप लोग इन्हें एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाएंगे, प्रैक्टिस आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, वो भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। क्लियर अभी? तो आगे चलते हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, अबनॉर्मल मोलर मासेस। अब देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि सॉल्यूशन में हम जब किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो उस सॉल्यूट की वहाँ पर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन हो जाती है। डिसोसिएशन मतलब ब्रेक होकर आयंस बनाना, एसोसिएशन मतलब के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे,
और जैसे कि दो मॉलिक्यूल्स ने जुड़कर एक मॉलिक्यूल फिर न्यू जो है वहां पर बना लिया, तो ऐसा हम बोलते हैं एसोशिएट होना। ठीक है, तो उसने पूछा है कि जो सब्सटेंसेस एसोशिएट या फिर डेसोशिएट हो जाते हैं उनके मॉलिक्यूलर मासेस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से अगर हम सोल्व करते हैं तो उनके एक्चुअल मास से कुछ अलग वैल्यूज आती हैं, क्योंकि अगर वो एसोशिएट हो गया तो हायर आएगा मास। ठीक है, मान लीजिए एक्चुअल में था 50 बट वो 50 से हायर आएगा क्योंकि वो दो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ चुके हैं। अगर हो गया वो वहाँ पर डेसोशिएट तो 50 से लो वैल्यू आएगी क्योंकि वो ब्रेक हो चुके हैं। तो ऐसे जो मॉलिक्यूलर मासेस आते हैं दीज आर नोन एज दी अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू से अलग होते हैं। क्लियर है अभी? ठीक है, अब इनका क्या रोल है, इनके साथ हम लोग फिर अपनी अपने फॉर्मूलाज को किस तरह से चेंज करेंगे वो हम यहाँ पर अब देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास है पोटाशियम क्लोराइड, डिजोल्व किया है हमने इन वाटर। अज्यूमिंग इट्स कंप्लीट डेसोसिएशन, वन मोल ऑफ के सी एल गिव्स वन मोल ऑफ द पोटाशियम आयन्स एंड वन मोल ऑफ द क्लोराइड आयन। इसका मतलब हमारे पास सोल्यूशन में 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हो गए, सो देयर फोर देयर आर 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। हमने तो एक ऐड किया था, वहाँ पर 2 बन गए। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली जो हमें रिजल्ट मिला है वो क्या मिलेगा वहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसकी मोलैलिटी कितनी रहेगी? 2 रहेगी, क्योंकि हमने 2 मोल्स हैं हमारे पास टोटल। ठीक है, क्योंकि वो ब्रेक होगा, 2 बन गए ना, 2 मोल्स बन गए, तो हमने एज्यूम किया है कि 1000 ग्राम है हमारे पास सोलवेंट, तो इसकी मोलैलिटी बन गई 2 2 इंटू के बी की वैल्यू हमने लगा दी फॉर द वाटर, तो वो आंसर आ गया 1.04 केल्विन। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड जो हुई है वहाँ पर वो वैल्यू है। ठीक है, अभी नाउ अगर हम इसके साथ सोल्व करते हैं कि इसका मोलर मास फिर कितना आएगा के सी एल का। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करके जो हमने फॉर्मूला यहाँ पर बनाया हुआ है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट के बी इंटू डब्ल्यू बी ओवर यहाँ पर एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इंटू द गिवन मास ऑफ द सोलवेंट, तो ये सभी वैल्यूज हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये आपका सोल आउट होकर आ गया 37.25 ग्राम। ठीक है, अभी तो यहाँ से हमें क्या आइडिया हुआ है कि पोटाशियम क्लोराइड का मोलर मास एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सोल करते हैं तो वो तो हाफ आया है, एक्चुअल वैल्यूज की कितनी होती है 74.5 ग्राम। तो मतलब एक्चुअल से उसका मास सोल करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद हाफ निकला है, सो दिस मास इज दी अबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पर एस्टिक एसिड की बात करते हैं, एस्टिक एसिड क्या बनाता है? वो बनाता है डाइमर। ठीक है, इन बेंजीन, अगर हम उसको किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो वो वहाँ पर क्या बनाएगा? डाइमर मतलब क्या होता है कि दो एस्टिक एसिड के मोलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, एक एस्टिक एसिड ये है और दूसरा हम एस्टिक एसिड इस तरफ बना देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसे कुछ वो अट्रैक्शन कर लेते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं, देयर फॉर इट फॉर्म्स दी डाइमर। ठीक है, तो इसके कारण उसका फिर मोलर मास ऑलमोस्ट 2 टाइम्स शो होगा जो उसका एक्चुअल मास है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है भी? तो ये कुछ एग्जांपल थी मैंने आपको समझाई कि कैसे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, वो एसोसिएशन और डेसोसिएशन होने के बाद ही हमें मिलती हैं, कि वो सब कुछ जो होना था हो चुका है सोल्यूशन में, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर्स मिलते हैं। जो हम फॉर्मूला से सोल्व करते हैं वो हमारे लिए एक्सपेक्टेड वैल्यूज होती हैं। ठीक है, उसमें हमने एसोसिएशन और डेसोसिएशन के विदाउट उसको सोल्व कर लिया होता है, तो एक्चुअल में कुछ अलग वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है भी, तो इन सभी को ज्वाइन करने के लिए हमने एक न्यू टर्म बना ली है, दैट इज दी वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो ये क्या होता है वेंट ऑफ फैक्टर? वेंट ऑफ फैक्टर को हम आई के साथ डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि एक्सपेरिमेंटल है, डिवाइडेड बाय द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने फॉर्मूला से सोल्व की है विदाउट एसोसिएशन और डेसोसिएशन को अज्यूम किए। ठीक है, हमने कोई एसोसिएशन डेसोसिएशन अज्यूम नहीं की, सिंपली अपने फार्मूले लगाए और आंसर निकाल दिया, उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड जो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की है। ठीक है, तो इन दोनों के रेशियो को हमने क्या नाम दे दिया? वेंट ऑफ फैक्टर। अब देखिए, अगर तो हो रही है वहाँ पर डेसोसिएशन तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे। ठीक है,
जिसका मतलब कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज़्यादा आएगी, जिसका मतलब कि आई की वैल्यू होगी ग्रेटर देन वन, अगर होगी एसोसिएशन तो आई की वैल्यू होगी लेस देन वन। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये ज़रूर याद रखना। क्लियर है अभी? डिग्री ऑफ डेसोसिएशन, कितने मोलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स में से डेसोशिएट हो चुके हैं। मान लीजिए आपके पास 100 मोलिक्यूल्स थे, अगर उसमें से 20 मोलिक्यूल ब्रेक हो चुके हैं तो कितनी आ गई 50/100, 0.50 डिग्री ऑफ द डेसोसिएशन। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटांस डेसोशिएटेड डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटांस। और अगर हम अल्फा और आई का रिलेशन बनाएं, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अल्फा इज इक्वल्स टू द आई माइनस वन ओवर एम माइनस वन। अब यहाँ पर एम क्या है कि एक मोलिक्यूल या एक उस सब्सटेंस का जो फॉर्मूला यूनिट होती है वो ब्रेक होकर कितने मोल्स बनाता है सोल्यूट पार्टिकल्स के, कितने आयंस बनाता है। जैसे NaCl के दो पार्ट बनते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, उसके लिए एम की वैल्यू 2 है। सोडियम सल्फेट में दो Na पॉजिटिव बनते हैं, ठीक है, एक बनता है SO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव, तो इसमें कितने आयंस बने हैं, 3 आयंस बने हैं, इसके लिए एम की वैल्यू यूज़ होगी 3। तो ऐसे आप इन फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे। ये था फॉर द डेसोसिएशन, ऐसे ही आपको फॉर्मूलाज मिल जाएंगे फॉर द एसोसिएशन। ठीक है, तो फॉर एसोसिएशन हमारा सिमिलर सा फार्मूला आई माइनस वन, ओवर वाली टर्म थोड़ी सी चेंज हुई है, यहाँ पर था एम और यहाँ पर है 1/n, और अब यहाँ पर एन क्या है, कितने मोलिक्यूल्स ज्वाइन हो रहे हैं एक बनने के लिए। जैसे कि एसटिक एसिड के लिए एन की वैल्यू 2 थी ना, मैंने आपको बताया कि उसके दो मोलिक्यूल ज्वाइन होते हैं, इसलिए एन की वैल्यू हमने 2 लगा ली थी। ठीक है, अभी तो ये दोनों फॉर्मूलास अच्छे से याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पेज आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके स्क्रीनशॉट सेव कर लें। ठीक है, बाकी आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे, तो इसको ज़रूर आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर है अभी? कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो हमने यहाँ से अब फॉर्मूलाज थोड़े से अपने चेंज करने हैं। तो आई था हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय दी कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमने एलिवेशन वाले पर अप्लाई किया, तो यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय दी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये वैल्यू चली जाएगी उस तरफ। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या बन जाएगी, आई इंटू कैलकुलेटेड। इसके लिए तो हम नॉर्मल फार्मूला यूज़ करते हैं, के बी इंटू एम। तो इसका मतलब कि जितने भी फार्मूले हैं आपके, चाहे वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का हो, चाहे वो एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो, सभी के साथ आप लोगों ने वेंट ऑफ फैक्टर को कर देना है मल्टीप्लाई, आई को कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर आपको आई की वैल्यू दी गई हो तो आप इसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है अभी? ओके, तो आगे चलते हैं। अब इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दो न्यूमेरिकल मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, उसको अच्छे से आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है। तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है कि डिटरमिन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 2.5×10⁻²⁻² ग्राम ऑफ द पोटाशियम सल्फेट इन 2 लीटर ऑफ द वाटर एट दिस टेम्परेचर, अज्यूमिंग दैट इट इज कम्प्लीटली डेसोशिएटेड। अब कम्प्लीटली डेसोशिएटेड का मतलब क्या है कि वो पूरे का पूरा ही ब्रेक होकर आयंस में चेंज हो गया है। पोटाशियम सल्फेट कितने आयंस बनाएगा, 2 पोटाशियम के, 1 SO4 का, तो मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो सल्यूट पार्टिकल्स वो क्या हो जाएंगे, 3 टाइम्स हो जाएंगे, इसलिए आई की वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, 3। क्लियर है अभी? सबसे पहले हमने यही लगा ली। ये था हमारे पास गिवन मास ऑफ द सल्यूट, सो दिस इज द WP 2.5×10⁻²⁻² ग्राम, और फिर हमारे पास वॉल्यूम है 2 लीटर और टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। इसको चेंज करेंगे इनटू द केल्विन, 273 ऐड करेंगे तो ये आपका बन गया 298 केल्विन। और आर की वैल्यू अब यहाँ पर क्या होगी, अब देखिए जो आपको याद है वो यूज़ कर लें, आपके प्रेशर का आंसर भी उसी यूनिट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आर की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, 0.0821 लीटर एटमोस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब हमें सोल्व करना है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, पाई सबसे पहले लगाएंगे आई इनटू जो हमारा नॉर्मल फार्मूला है वो पूरा लगा दें, गिवन मास बाय द मोलर मास फॉर द मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू द वॉल्यूम, ऊपर आता है इनटू आर एंड
टी, ठीक है। तो इसमें हम लोग आंसर पुट करेंगे 3, डब्ल्यू बी है हमारा 2.5 × 10⁻², और एम बी है मोलर मास ऑफ द सल्यूट, वो भी हमें सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पोटाशियम सल्फेट है, इसका मास निकालें, पोटाशियम का मास होता है 39, ठीक है, सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का मास होता है 16, ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने सोल्व कर लेना है, ये आपका आएगा 174 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, और आपकी वॉल्यूम आ गई 2 लीटर, ऊपर आ गई आर की वैल्यू, ठीक है, और टी आ गया 298। तो ये सभी वैल्यूज़ आप लोगों ने यहाँ पर यूज़ कर ली हैं। अब इसका आप लोगों ने सोल्यूशन निकालना है, इनकी पूरी कैलकुलेशन करना, इसे सोल्व करना, तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 5.27 × 10⁻³ एटमोस्फेरिक, ठीक है। तो मेन आपको यहाँ पर मैंने बताना था कि आई को आप लोगों ने कैसे यूज़ करना है, वेंटो फैक्टर को कैसे यूज़ करना है। नॉर्मली सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल वेंटो फैक्टर वाले ही आते हैं। अगर आपको कोई ऐसा वहाँ पर सब्सटांस दिया गया हो जो वहाँ पर आयंस बनाता है, तो आप लोगों ने इस बात का ज़रूर उस स्टेटमेंट में ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अगर ग्लूकोज हो, केन शुगर हो, उनके तो आयंस ही नहीं बनते, इसलिए हमने वहाँ पर आई की वैल्यू क्या यूज़ कर लेते हैं, 1, इसलिए हमने उसमें किसी भी न्यूमेरिकल में वेंटो फैक्टर को यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसे आयनिक कंपाउंड्स आएंगे, वहाँ पर आई की वैल्यू जरूर यूज़ होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगली स्टेटमेंट की तरफ। तो अगली स्टेटमेंट है हमारे पास अबाउट दी एसटी केसर के साथ, इसमें हमने सोल्व करना है डिप्रेशन इन, इसमें हमने सोल्व करना है वेंटो फैक्टर एंड डेसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड। तो पूरी स्टेटमेंट एक बार आप लोगों ने रीड कर लेनी है। तो यहाँ पर है कि 0.6 ml ऑफ एसटी केसर एंड हैविंग द डेंसिटी दिस वन इज डिजोल्ड इन 1 लीटर ऑफ द वाटर। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड फॉर दिस ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है, फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वाज दिस वन, कैलकुलेट द वेंटो फैक्टर एंड डेसोसिएशन कॉन्स्टेंट। वो हम बाद में करते हैं, पहले इतना कर लें। अब देखिए, सबसे पहले ऐड किया है 0.6 ml ऑफ एसटिक एसिड, जिसकी के डेंसिटी ये है, पहले हम इसी के बारे में सोल्व करते हैं। ये है हमारा एसटिक एसिड, ठीक है, इसकी वॉल्यूम दी गई है 0.6 ml, और इसकी डेंसिटी दी गई है 1.06 ग्राम पर ml। अब इसका मास क्या आएगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल्स टू द डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये आपका बन जाएगा 0.6 × 1.06, दिस बिकम्स द 6636, सो ये बन गया आपका 0.636, ठीक है, पॉइंट लगाकर ये आ गया आप लोगों का गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। इतना पता चल गया, अभी हमारे पास आ चुका है गिवन मास। तो अब इसके बाद हमें क्या दिया गया है, वॉल्यूम इज 1 लीटर, तो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की 1 लीटर, सो विच इज अप्रोक्सीमेटली, ये हमें क्या दिया गया है, गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट इज 1000 ग्राम। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वाटर है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली 1, तो इसलिए उसकी वॉल्यूम एंड मास दोनों हमने सेम अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डेल्टा टी है, जितना एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ है, मतलब जो एसोसिएशन डेसोसिएशन होना था, सब कुछ होने के बाद जो ऑब्जर्व हुआ है, दैट इज़ दी 0.025 डिग्री सेल्सियस। हमें सोल्व करना है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, जिसके लिए हम अपना नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कैलकुलेटेड डेल्टा टी एफ, के एफ ओवर एम बी इंटू डब्ल्यू बी ओवर डब्ल्यू ए, फॉर्मूला याद है ना अभी सभी को, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, इंटू 1000, सभी वैल्यूज यूज़ करें। के एफ की वैल्यू है 1.86, एसटी के एसिड का मास सोल्व कर लेना, एसटी के एसिड का मास आएगा मोलर मास, सोल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 60, ठीक है। तो वो हमने लगा ली वैल्यू 60, डब्ल्यू बी है हमारा 0.636 और डब्ल्यू ए है हमारा 1000, और इस तरफ भी है 1000, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, इसको कैंसिल करेंगे अपॉन 6, इसको करेंगे अपॉन 6, ये आपका आ गया दिस वन, ठीक है। अब इन सभी को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवा कर सोल्व आउट कर लेना है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 0.0197, ठीक है।
ये तो इजी है, अभी बस इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। एक जीरो ओवर वाली यूज कर लेना पॉइंट लगाने के लिए, इतना हो जाएगा अभी, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास आ चुकी है कैलकुलेटेड वैल्यू और हमारे पास है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो आई का फार्मूला क्या था अभी, वेंटो फैक्टर का, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो दोनों को हम लोग कर देंगे डिवाइड, सो 0.0205 एंड 0.0197। तो मतलब ये क्या है, 205 को डिवाइड करेंगे 197 के, पॉइंट्स वाली जीरोस इन दोनों की सोल्व हो जाएंगी। तो आपका अप्रोक्सीमेटली यहाँ से वेंटो फैक्टर का आंसर क्या बन जाएगा, 1.04 अप्रोक्सीमेटली। आप इसके आगे भी सोल्व कर सकते हैं, बट एग्जाम में इतना भी सोल्व हो जाएगा तो भी इनफ है। इतना हो गया अभी क्लियर, ठीक है। अब देखिए, हमें आगे उन्होंने पूछा है डेसोसिएशन कॉन्स्टेंट। तो डेसोसिएशन कॉन्स्टेंट के लिए हमें एक चीज़ और चाहिए, दैट इज़ दी मोलैलिटी, ठीक है। हम यहाँ से मोलैलिटी को आप लोगों ने अलग सोल्व कर लेना है। मोलैलिटी क्या है, अगर हम डेल्टा टी एफ के आंसर को चेक करें तो इस के एफ को छोड़कर बाकी की टर्म क्या रहती है, मोलैलिटी रहती है, यानी कि डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू 1000 ओवर डब्ल्यू ए। तो यहाँ से हमें ये मिल सकती है वैल्यू, तो यही सभी वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये वाला बस इसको छोड़ दें, रिमेनिंग को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आया था, यही दोनों बचे थे, ठीक है। ये तो ये दोनों सोल्व हो गए, तो ये बच गया 0.106/10। तो इसको अब हम यहाँ पर कर लेंगे डिवाइड, तो ये आपका बच जाएगा 0.0106, ठीक है। तो ये हमें मोलैलिटी की वैल्यू आगे यूज़ करनी है, क्लियर है। तो आगे हमें सोल्व क्या करना है अभी, डेसोसिएशन कॉन्स्टेंट। अब उसका फॉर्मूला मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, उसके लिए हमें क्या करना होगा। डेसोसिएशन कॉन्स्टेंट मीन्स के ये जो एसटी केसर है, ये ब्रेक होकर दो आयंस बनाता है। एक बनाएगा यहाँ पर एसटी केसर, सॉरी यहाँ पर एसीटेट आयन प्लस एच पॉजिटिव आयन। मान लीजिए शुरू में इसका अमाउंट था हमारे पास सी और ये दोनों थे 0, 0। आफ्टर द डेसोसिएशन, जब डिग्री ऑफ डेसोसिएशन अल्फा हो तो मोल्स में से वहाँ से अल्फा पार्ट ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 1 माइनस अल्फा, सी इंटू 1 माइनस अल्फा। तो दूसरी तरफ फॉर्म कितने होंगे, सी अल्फा। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, सी माइनस सी अल्फा हुआ है, ठीक है। सी अल्फा मोल्स वहाँ से ब्रेक हो चुके हैं और जितने इसके ब्रेक होंगे उतने ही यहाँ पर फॉर्म होंगे सी अल्फा, ठीक है। अभी तो अब देखिए, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, डेसोसिएशन कॉन्स्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ दी प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय दी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। इतना हो गया अभी क्लियर। अब यहाँ पर सभी फार्मूले यूज करें, इन दोनों की तो सी अल्फा है, सो सी अल्फा ओवर में इसकी है सी इंटू 1 माइनस अल्फा। एक सी के साथ सी हो गया कैंसल, तो हमें यहाँ से k का फार्मूला क्या मिल चुका है, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब c मतलब क्या होता है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ दी मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी यूज़ करेंगे, इनटू अल्फा इज़ द डिग्री ऑफ डेसोसिएशन ओवर 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब पहले हम सोल्व करेंगे अल्फा, तो फिर यहाँ पर अल्फा का फार्मूला क्या आएगा, आई माइनस वन ओवर एम माइनस वन। अब एसटी केसर की डेसोसिएशन हो रही है, वो कितने आयंस बनाता है, दो आयंस बनाता है। आई की वैल्यू आई थी हमारी 1.04 माइनस वन, यहाँ पर आएगा 2 माइनस वन, नीचे बच गया 1 तो ऊपर बच गया 0.04, ठीक है। अभी अब थोड़ी सी आप लोगों की यहाँ पर कैलकुलेशन होने वाली है मुश्किल, ठीक है। उसमें सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, हमें चाहिए यहाँ से अल्फा का आंसर तो आ चुका है, मोलैलिटी की वैल्यू हमारी क्या आई थी, ये आई थी वैल्यू 0.01, ये हम यहाँ पर यूज करेंगे अब, ठीक है। यहाँ पर लगाएं 0.0106, अल्फा की वैल्यू है 0.04 का स्क्वायर, तो नीचे आ गया 1 माइनस 0.04। तो ये आपका बच जाएगा 106 × 10⁻⁴, बच गई यहाँ पर -4, यहाँ पर भी 4 का कर लें स्क्वायर, 16 × 10⁻⁴, इसके लिए थी -2, स्क्वायर करेंगे वो बन जाएगी -4, ठीक है। नीचे इसको सोल्व कर दें तो ये आपका बच जाएगा 0.96, ठीक है। अब आगे की सोल्विंग आप लोगों ने खुद करनी है, तो आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर के का क्या आ जाएगा, डेसोसिएशन कॉन्स्टेंट का, दैट इज़ दी 1.677 × 10⁻⁵। इसके आसपास भी आ जाए तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा,
ठीक है भाई। तो ये था आपके लिए कंप्लीट चैप्टर ऑफ द सॉल्यूशन, जिसमें से कि हर टाइप के न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हमने यही कोशिश की है कि आपका सब कुछ एक ही वीडियो में रिवाइज हो जाए। बाकी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, उनको अच्छे से रीड करना, वहाँ से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने को मिलेंगे। और ऐसे ही आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो हमारे इस चैनल पर मिलती रहेंगी। वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी है और आपको कैसी इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करना, ये बिल्कुल मत भूलना। ठीक है भाई, थैंक यू।